नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर पब्लिक सर्विस कमीशन में। कंट्रोलर जर्नल ऑफ पेटेंट डिज़ाइन के द्वारा कुछ टाइम पहले नोटिफिकेशन निकाला गया था और उसमें वेरियस टाइप की पोस्ट निकाली गई थी। टोटल 553 पदों पर ये भर्ती का नोटिफिकेशन निकाला गया था और काफ़ी सारे बच्चों ने इसका फॉर्म फिलअप किया था और एग्ज़ाम भी देके आए थे। उसके बाद जो कंट्रोलर जनरल पेटेंट डिज़ाइन था, इसके द्वारा इसका जो प्री का एग्ज़ाम था वो कंडक्ट करवाया गया था। 21 दिसंबर को इसका प्री का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया था और 27 दिसंबर को इसकी आंसर की रिलीज़ की गई थी। तब से बच्चे इसके रिज़ल्ट का वेट कर रहे थे, प्री के एग्ज़ाम का रिज़ल्ट का वेट कर रहे थे। तो फाइनली आप सभी का इंतज़ार ख़त्म कर दिया गया है। कंट्रोलर जर्नल ऑफ पेटेंट डिज़ाइन के द्वारा इसका प्री का रिज़ल्ट घोषित कर दिया गया है। तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप सभी अपना अपना रिज़ल्ट चेक कर सकते हैं, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं टेलीग्राम का लिंक डाल दूंगा, वहाँ पे आपको डायरेक्ट रिजल्ट चेक करने का लिंक मिल जाएगा। तो उस लिंक पर आप क्लिक करके अपना अपना स्कोर कार्ड चेक कर सकते हैं। उसमें आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालना पड़ेगा, तो जैसे ही आप अपना एंटर करेंगे तो उसमें आपका रिजल्ट शो कर जाएगा। और मेन चीज़ ये रहने वाली है कि इस वीडियो में हम आपको ये बताने वाले हैं कि इसके मेंस की एग्ज़ाम डेट भी निर्धारित कर दी गई है। तो वीडियो के आप अंत तक जरूर बने रहें। जो जो बच्चे प्री का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर गए हैं तो वो अपनी तैयारी जारी रखें, कंटिन्यू रखें, क्योंकि प्री का एग्ज़ाम्स आपका मेंस का एग्ज़ाम आपका बहुत जल्द होने वाला है। तो आइए शुरू कर लेते हैं वीडियो को। स्टेप बाय स्टेप मैं बताने वाला हूँ कैसे आप ऑफिशियल वेबसाइट से अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं, या फिर मैं टेलीग्राम पर लिंक डाल दूंगा, वहाँ से आप डायरेक्ट चेक कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आप गूगल पे ये टाइप कर लेंगे, https://exams.nta.ac.dpiit। ये जैसे ही आप एंटर करके करेंगे तो आप एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे। तो इस वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और टेलीग्राम पर भी डाल दूंगा, वहां से आप डायरेक्ट अपना रिजल्ट चेक कर पाएंगे। तो जैसे ही आप एंटर मारेंगे तो ये ऑफिशियल वेबसाइट खुल जाएगी। यहाँ पे देख लीजिएगा, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ऑफिशियल वेबसाइट खुल जाएगी और यहाँ पे देख लीजिए, डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट एनटीए स्कोर कार्ड ऑफ द प्री एग्जामिनेशन फेस वन फॉर द पोस्ट ऑफ एग्जामिनर ऑफ पेटेंट एंड डिज़ाइन 10/1/2024। तो ये रिजल्ट डिक्लेयर कर किया गया है। तो आइए देख लेते हैं रिजल्ट पे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद आप इसको ओपन विद करके आप अपना रिजल्ट देख सकते हैं। आइए देख लेते हैं यहाँ पे क्या किया गया है। तो ये यहाँ पे थोड़ा सा बताया गया है एनटीए के बारे में, ये देख लीजिएगा। द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कंडक्ट द प्री एग्जामिनेशन फेस फर्स्ट ऑफ द पोस्ट ऑफ एग्जामिनर ऑफ द पेटेंट एंड डिज़ाइन अगेंस्ट 553 वैकेंसी के अगेंस्ट ये नोटिफिकेशन निकाला गया था। डीआर कोटा पेटेंट ऑफिस एट द 260 सेंटर हैं, लोकेशन इन 103 सिटीज़ के अंदर। ये थोड़ी सी बेसिक सी जानकारी बताई गई है कि 260 सेंटर हैं और 553 पदों पर ये भर्ती का नोटिफिकेशन निकाला गया था। उसके बाद जो इसका थ्रो द कंट्री ऑफ 21 दिसंबर 2023 को थर्सडे को अबाउट, ये देख लीजिएगा, इतनी कैंडिडेटों ने एग्ज़ाम दिया था प्री का एग्ज़ाम। द एग्जामिनेशन कंडक्ट कंप्लीटेड इन सीबीटी मोड, ऑनलाइन आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया था। उसके बाद थोड़ा सा और देख लेते हैं। उसके बाद ये देख लीजिएगा, एग्जामिनेशन सिस्टम ट्रांसपेरेंट, द क्वेश्चन पेपर एंड रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स अलोंग द आंसर की विद डिस्प्ले ऑन वेबसाइट वेरिफिकेशन 27 से 29 दिसंबर। तो 27 से 29 दिसंबर के बीच आपका क्वेश्चन पेपर और आंसर की रिलीज़ कर दी गई थी। यहाँ पे ये थोड़ा सा इन्होंने इनके द्वारा बताया गया है। उसके बाद देख लेते हैं, द स्कोर कार्ड ऑफ ऑल कैंडिडेट फॉर द प्री एग्जाम फेस वन नाउ अवेलेबल ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट। तो जो प्री का रिजल्ट अभी डिक्लेयर किया गया है उसका जो स्कोर कार्ड है वो सभी बच्चे देख सकते हैं। जो क्वालिफाई हुए हैं वो भी देख सकते हैं और जो नॉन क्वालिफाई हुए हैं वो भी देख सकते हैं। ये ऑफिशियल वेबसाइट है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन या टेलीग्राम पर डाल दूंगा, वहाँ से डायरेक्ट आप अपना रिजल्ट देख पाएंगे। आइए अब आगे थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पे देख लीजिएगा, द कैंडिडेट पर्टिकुलर इंक्लूडिंग कैटेगरी पर्सन डिजाइन, ये पीडब्ल्यूडी के बारे में बताया गया, कोई जानकारी नहीं है, यहाँ से मेन जानकारी है। आइए देख लेते हैं, दोज कैंडिडेट हु विल क्वालिफाई द प्री एग्जाम्स विल रिक्वायर्ड अपियर इन मेंस एग्जामिनेशन शेड्यूल ऑन 25 जनवरी 2024। तो ये मेन डेट रहने वाली है। जो जो बच्चे क्वालिफाई कर गए हैं मेन्स के एग्जाम के लिए, तो मेन्स आपका एग्जाम 25 जनवरी 2024 को कंडक्ट करवाया जाएगा। लगभग 15 दिन के आसपास आपके पास टाइम है। लगातार कंटिन्यू तैयारी करते रहें, हार्ड वर्क करते रहें, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा मेंस एग्जाम, तभी आपका क्वालिफाई हो पाएगा। तो ये एक न्यूज़ थी जो आपको आपके साथ शेयर करनी ज़रूरी थी। तो कंट्रोलर ऑफ जर्नल पेटेंट डिज़ाइन के द्वारा आपका प्री का रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। टेलीग्राम पर या फिर मैंने डिस्क्रिप्शन में वीडियो के लिंक डाल दूंगा, वहां से आप डायरेक्ट अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं और मेंस एग्जाम भी आपकी डिक्लेयर कर दी गई है। तो अपनी तैयारी जारी रखें।
इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन बटन को भी टैप कर लीजिएगा ताकि समय पर आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। यूट्यूब में हमें फॉलो करते हैं तो प्लीज़ हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर से ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सब कुछ वहाँ पर बताया जाता है। धन्यवाद।